कंसाइनमेंट के पुराने वीडियोस देखने के बाद मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आए हैं कि सर एक बार कमीशन के क्वेश्चन खुद क्लियर करवा दीजिए। तो मैं आपको आपके स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस कमीशन पर बेस्ड हैं सिर्फ और सिर्फ वो कराने जा रहा हूं। एक दो बहुत से क्वेश्चन इस पर बेस्ड हैं कि कॉस्ट प्राइस दी हुई है तो इनवाइस प्राइस कैसे निकाले। बहुत से क्वेश्चन इस पर बेस्ड हैं कि कॉस्ट प्राइस भी है इनवाइस प्राइस भी है तो लोडिंग यानी स्टॉक रिजर्व कैसे निकाले। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है आज का टॉपिक है कि कमीशन कैलकुलेशन। कमीशन सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं डेफिनेटली उन सभी को ये बात बता दी गई है कि टाइप ऑफ कमीशन कितने तरीके के होते हैं। बताइए टाइप ऑफ कमीशन कितने तरीके के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन, एक होता है डेल क्रेडिटर कमीशन और एक होता है ओवरराइडिंग कमीशन। ठीक है, ऑर्डिनरी कमीशन किसको दिया जाता है? सभी कंसाइनीज को मिलता है। कौन सी सेल पर मिलता है? एक्चुअल सेल्स पर। अगर किसी और सेल पर होगा तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी तब आप वैसा कीजिएगा, अदरवाइज एक्चुअल सेल्स पर देंगे। अगर कंसाइनर ने गुड्स भेजा है कंसाइनी को और कंसाइनी जो है उसको क्रेडिट सेल्स कर देता है और क्रेडिट सेल करने पर हुआ यह कि कस्टमर वो गुड्स का अमाउंट लेकर भाग गए, यानी कहने का मतलब दैट क्रेडिट सेल बिकम बैड डेब्ट्स, वो बैड डेब्ट्स हो जाती है। तो बैड डेब्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है कंसाइनमेंट में? कंसाइनर की, क्योंकि कंसाइनर कौन है? प्रिंसिपल। तो एजेंट का नुकसान प्रिंसिपल का लॉस है। प्रिंसिपल्स आर ऑलवेज लायबल, ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्ट ऑफ एजेंट। जो एजेंट करेगा प्रिंसिपल को भुगतना पड़ता है। ऐसा करने पर आपको पहले भी बताया गया था, पिछले भी वीडियो लेक्चर्स में बताया गया था कि कंसाइनर इन सब चीजों को बचना चाहते हैं तो वो इसके लिए एक एक्स्ट्रा कंसिडरेशन, एक एक्स्ट्रा कमीशन अलाउ करते हैं जिसको बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। क्या बोलते हैं? तो अगर पेपर में पूछा जाए डेल क्रेडिटर कमीशन का पर्पस क्या है तो क्या है? जस्ट टू अवॉइड बैड डेब्ट्स, टू मेक रिस्पॉन्सिबल। किसको रिस्पॉन्सिबल बनाना? कंसाइनी को। किस बात के लिए? बैड डेब्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना। ये बात सबकी समझ में आ गई। और इसके बाद ज्यादा से ज्यादा सेल हो, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू पर हो, इसके लिए इंकरेज करने के लिए क्या करूं मैं? हम उसे ओवरराइडिंग कमीशन देंगे। टारगेट से ज्यादा बेचेगा तो ज्यादा कमीशन मिलेगा, तो उसे कहते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन किस पर मिलता है? हमेशा सरप्लस सेल पर। सरप्लस सेल्स कब होती है? जब एक्चुअल सेल्स इनवाइस प्राइस से ज्यादा कीमत पर बेची जाती है। जो स्टूडेंट्स के पास फार्मूला ना हो लिख लें सरप्लस सेल्स कब आती है, लिखें सरप्लस सेल्स कब होगी बताइए। तो आप इसके नीचे लिखें इफ एक्चुअल सेल्स इज ग्रेटर देन इनवाइस प्राइस ऑफ सेल्स, इफ एक्चुअल सेल्स इज ग्रेटर देन इनवाइस प्राइस ऑफ सेल्स। ठीक है, उम्मीद है लिख लिया होगा। अब जो सरप्लस सेल्स है उसका निकालने का फार्मूला भी होना चाहिए। फार्मूला लिख लीजिए, सरप्लस सेल्स का फार्मूला। सरप्लस सेल्स का फार्मूला क्या है? एक्चुअल सेल्स माइनस, दोबारा से बोल रहा हूं, सरप्लस सेल्स इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस इनवाइस प्राइस ऑफ सेल्स। सही है, आइए क्वेश्चन करते हैं। सभी स्टूडेंट्स सीए सीपीटी मेटीरियल 2014 एडिशन मेरे पास है, जिनके पास 13 या 12 हो उनमें भी सेम क्वेश्चंस है, तो आइए उन पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर हमारा जो आज का है वो है थर्ड। कहते हैं गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख सेंट आउट टू कंसाइनी एट कॉस्ट प्लस 25% इनवाइस वैल्यू ऑफ द गुड्स विल बी। स्टूडेंट्स मैं सीधा आंसर नहीं समझाऊंगा, मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी नॉलेज बढ़ती रहे और धीरे धीरे आप प्रिपेयर हो जाएं।
और आप कम समय में पाए। फॉर्मूले में क्या कहता है? फॉर्मूले में कहता है कॉस्ट प्राइस प्लस 20। तो इसका मतलब इफ इफ कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए है तो स्टूडेंट लोडिंग कितनी होगी? लोडिंग 20 यानी 25 रुपए। तो स्टूडेंट इनवाइस प्राइस कितनी हो जाएगी? 125। समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स लोडिंग 25 को देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो मैं क्या सिखाने जा रहा हूं आपको थोड़ी देर में। लोडिंग फॉर्म में बना सकता हूं मैं, एक 25 ऑन कॉस्ट प्राइस, 25 ऑन इनवाइस प्राइस। तो 25 ऑन कॉस्ट प्राइस को क्या लिखूंगा? 25 अपॉन कॉस्ट प्राइस और 25 अपॉन इनवाइस प्राइस। तो क्या आया फार्मूला? क्या ये आया? कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 है। तो 25 अपॉन 100 यानी 1/4 ऑन कॉस्ट प्राइस। प्राइस कितनी है स्टूडेंट्स? आपने देखा यानी 125, यानी क्या आया? काटेंगे तो 1/5 आया, 1/5 ऑन इनवाइस प्राइस। और यानी फार्मूला डेवलप हो गया कि कॉस्ट प्राइस का 1/4 इनवाइस प्राइस के 1/5 के इक्वल होता है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो स्टूडेंट्स प्राइस का 1/4 प्राइस के 1/5 है, ये याद रखना। मेरे पास चाबी है मोटरसाइकिल की, क्या मैं उससे कार खोल सकता हूं? नहीं खोल सकता। अच्छा चलो, मेरे पास कार की चाबी है, क्या मैं उससे एरोप्लेन चला सकता हूं? अरे अब भी मना कर रहे हो। तो कैसे होगा ये सब काम? कार की चाबी से ही कार स्टार्ट होगी और एरोप्लेन की चाबी से एरोप्लेन स्टार्ट हो सकता है। चाबियों को चेंज करना पड़ेगा या व्हीकल को चेंज करना पड़ेगा? बोलो सही है, करेक्ट है। तो ऐसी हालत में सभी स्टूडेंट जरा सामने देखें, फार्मूला आपको जो दिया हुआ है और जिसके है उसी से यूज करना। ये जितने भी क्वेश्चन है कंसाइनमेंट के, इसमें हेरा फेरी करेगा, ये क्या करेगा? आपको फार्मूला देगा कॉस्ट का और वैल्यू पकड़ा देगा आईपी। क्या? फार्मूला देगा और वैल्यू पकड़ा देगा, यानी समझाएगा कार और दे देगा चाबी मोटरसाइकिल की। तो आपको मोटरसाइकिल की चाबी को कार की चाबी में चेंज करना है और फिर कार चलानी है। तो पहले आप फार्मूले को चेंज करें, फार्मूले को चेंज करके यहां पर ले आए। अब जो आईपी दे रखी है, इनवाइस प्राइस दे रखी है, उसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो लोडिंग आ जाएगी। बोलो समझ में आया आप लोगों को? ऐसे कुछ कुछ चलना है। फिलहाल आप इसे कॉपी कर लें, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। अब गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख है, तो अगर मैं कॉस्ट स्टूडेंट्स, तो गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख है, ये होगी कॉस्ट प्राइस 2 लाख है। कहता है कॉस्ट प्लस 25%, तो लोडिंग कितनी है? 25%, इसी का 25% कितना हो गया? 50,000। तो इनवाइस प्राइस कितनी हो गई? आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ गया, क्योंकि आपको मालूम है इनवाइस प्राइस का फार्मूला क्या होता है। जो स्टूडेंट्स को नहीं मालूम, तो इनवाइस प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग, उतार लें जिनके पास ना हो। इनवाइस प्राइस का मीनिंग क्या होता है? वो कीमत जिस कीमत पर माल को भेजा गया है, उसे कहते हैं इनवाइस प्राइस। बीजक मूल्य कहते हैं हिंदी में। तो स्टूडेंट इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन के बाद अब हम लोग चल रहे हैं स्टूडेंट, बताओ कौन से क्वेश्चन पर? फोर्थ क्वेश्चन पर। कौन से क्वेश्चन पर? फोर्थ क्वेश्चन पर। जिन्होंने कॉपी कर लिया हो वो लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलें। फोर्थ क्वेश्चन में वही हुआ है, हाथ में आपको पकड़ा दिया कॉस्ट प्राइस और चाबी पकड़ा दी कॉस्ट प्राइस की नहीं है, चाबी किसकी है? यानी पकड़ा दी मोटरसाइकिल और चाबी पकड़ा दी कार की। तो कार की चाबी को पहले किसकी चाबी में चेंज करेंगे आप? मोटरसाइकिल की चाबी में।
किसके में? मोटरसाइकिल की चाबी में चेंज करेंगे, ठीक है। शुरू करें तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है बताइए स्टूडेंट्स। 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, क्या कहता है? 20% ऑन। तो स्टूडेंट्स देखिए जरा, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि 20% ऑन इनवॉइस प्राइस का क्या मतलब होता है। ये है प्राइस, ये है इनवॉइस प्राइस। 20% का मतलब तो ये होता है, और इस इनवॉइस प्राइस के नीचे लिखा है, ठीक। इक्वल टू एक कम हो जाएगा, 1/4 ऑन कॉस्ट प्राइस। बोलो समझ में आ गया? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कॉस्ट क्या दी हुई है? 1 लाख। तो स्टूडेंट लोडिंग को निकालने के लिए मैं चाबी कॉस्ट वाली ही लगाऊंगा। कॉस्ट वाली चाबी कौन सी है? 1/4। तो 1,80,000 इंटू 1/4 लोडिंग, बोलो कितना आ गया? 45,000। तो अब इसके बाद इनवॉइस प्राइस सीपी प्लस लोडिंग, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? करेक्ट हो गया आंसर, सही है, कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आपको कार दे दी है, कार और चाबी मोटरसाइकिल की दे दी है। कार चलाना चाहते हो तो मोटरसाइकिल की चाबी को बदल लो कार की चाबी में, फिर क्या चलेगी वो कार? क्वेश्चन नंबर 5 मिल गया आप लोगों को, ये कॉपी हो गया आप लोगों से। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ इनवॉइस वैल्यू, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में आपको आईपी दी हुई है। आईपी, आईपी कितनी है? प्राइस कितनी है? 2,40,000। और आपको लोडिंग का फार्मूला क्या रखा है? लोडिंग का बताइए, लोडिंग का है 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। 20% तो ये होता है ना ऑन कॉस्ट प्राइस, जिसे 1/5 भी बोलता हूं मैं। बोलो, तो स्टूडेंट फार्मूला सीख गए बाप, सीपी और कितना इनवॉइस प्राइस, समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर हो गया ना, सीख गए। अब ये क्या है? तो आईपी पर सीपी वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है, आईपी का ही होगा। वाला क्या पूछ रहा है आपसे? लोडिंग अमाउंट। तो लोडिंग अमाउंट कितना आ गया? समझ में आ गया सब बच्चों को? कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट्स को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है इसके बाद, इसे कॉपी कर लीजिए और 6 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे इनवॉइस प्राइस पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? इनवाइस प्राइस। कहता है एक्स सेंट आउट सर्टेन गुड्स टू वाई ऑफ दिल्ली। एक्स ने वाई को कुछ सामान भेजा है। 1/10 ऑफ द गुड्स वर लॉस्ट इन ट्रांजिट, और रास्ते में 1/10 माल खो गया। इनवाइस वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस्ट 12,500। और कहता है जो खो गया है उसकी कीमत है 12,500, ठीक है। स्टूडेंट ये क्या है बताओ? ये क्या है बताइए? क्या है? टोटल गुड्स। बताओ स्टूडेंट्स ये क्या है? ये है 10%,
तो बताओ स्टूडेंट ये क्या है, 90%। समझ में आ गया? वो क्या कहता है क्वेश्चन में, वो कहता है 1/10 ऑफ गुड्स वर लॉस्ट इन ट्रांजिट, इनवाइस वैल्यू गुड्स लॉस्ट 12,000। तो इस वो क्या बता रहा है, कौन सी कीमत है ये, आईपी, इनवाइस प्राइस, इनवाइस वैल्यू ऑफ गुड्स। तो इनवाइस वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट आउट ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड्स हमने भेजा था वो पूछ रहा है वो, तो यानी वो इस सब की पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? मान लो एक्स क्या है, तो एक्स का 10% कितना है बोलो, तो एक्स कितना हो गया, समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर हो गया। और चूंकि ये आईपी था तो ये बोलो करेक्ट हो गया, सबको आसानी से समझ में आ गया, उतार सकते हैं आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 8th क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख टू वाई ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो गुड्स की जो कीमत है कॉस्ट प्राइस वो दिया हुआ है सीपी, वन लाख। थ्री फिफ्थ ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय कंसाइनी फॉर 70,000। तो के दो हिस्से, एक 3/4 और एक 1/4, ये क्या हो गया, बिक गया, 3/5 है, सॉरी, अच्छा सॉरी 2/5 आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। थ्री फिफ्थ ऑफ गुड्स फॉर सोल्ड बाय कंसाइनी फॉर 70,000, कमीशन 2% ऑन सेल्स प्लस 20% ऑफ ग्रॉस सेल लेस ऑल कमीशन एक्सीड कॉस्ट प्राइस, अमाउंट ऑफ कमीशन विल बी। बड़ा ही उलझाने वाला क्वेश्चन है, इसे आसान मत समझना, अंडरलाइन करो। कमीशन 2% ऑन सेल्स प्लस, ये गया प्लस, 20% ऑफ ग्रॉस सेल्स लेस ऑल कमीशन एक्सीड कॉस्ट प्राइस। स्टूडेंट्स वो कह रहा है ग्रॉस सेल, देखो क्या कह रहा है, ग्रॉस सेल्स ऑल, एक्सीड कॉस्ट प्राइस। तो ग्रॉस सेल कौन सी, एक्सीड कॉस्ट प्राइस, उसमें सारा कमीशन माइनस करने के बाद जो आएगा वो होगा उसका 20। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये है स्टूडेंट क्वेश्चन। देखो सामने बोर्ड पर तो कुछ समझ में आएगा नहीं, क्वेश्चन में कुछ जाएंगे तो समझ में आएगा, आइए क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है कमीशन 2% ऑन सेल्स, जो सेल्स होगी उसका, चलो ठीक है इसे अभी छोड़ते हैं, पहले सेल्स निकालने चलते हैं। कहता है 3/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय कंसाइनी फॉर 70,000, ठीक है, ऑन सेल्स प्लस 20% ग्रॉस सेल लेस ऑल कमीशन एक्सीड। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ना मिसप्रिंटिंग है, क्या है मिसप्रिंटिंग, इसमें ना लोडिंग का फार्मूला नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ, लोडिंग का फार्मूला निकल कर आएगा तो आएगा, बोलो सही है, लेकिन लोडिंग के फार्मूले की जगह उसने कुछ और बात बोल दी, उसने क्या बोल दिया, उसने बोल दिया तो 3/5 बेचा है ना वो 70,000 का बेचा है, आपको यही लग रहा होगा इनवाइस प्राइस पर कैसे चेंज करेंगे, वो फार्मूला नहीं दिया, पर उसने बता दिया कि 3/5 सेल्ड किया,
देखें आप, देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी है, बोल रहे अगर 350 बेचते तो कितने, 250 कितने का हो गया, 40,000 का। और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। और सेल्स, ये तो सेल्स है नहीं क्योंकि तो बच गया अनसोल्ड गुड्स है, और ये कितने का हो गया, समझ में आ गया। कॉस्ट प्राइस ये क्या है, सेल, ये क्या है सेल्स, ये क्या है कॉस्ट प्राइस। तो एक्सीड कितना हो गया, 10,000, समझ में आ गया आप। तो कमीशन वो यहां है, आइए कमीशन कह रहा है 2% ऑन सेल्स, सेल्स कितनी है 70,000 प्लस 20% ऑफ ग्रॉस प्राइस, यानी ये 10,000 लेस, लेस क्या कह रहे हैं ऑल कमीशन, ऑल कमीशन बोले तो सारा कमीशन माइनस कर देने के बाद। अब क्या हमें मालूम है, नहीं मालूम, तो लेट ऑल कमीशन इक्वल टू ऑल कमीशन, यानी एक्स इक्वल टू 70,000 का 2%, सही है, 1,000 ऑल कमीशन को एक्स मान ही लिया, समझ में आ गया आप लोगों को। और अब आप इसमें इसको सॉल्व करेंगे और इसमें से एक्स निकालेंगे, एक्स की वैल्यू फटाफट, जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में अच्छे हैं फटाफट निकालकर मुझे बताएंगे कितना आ रहा है, बताएं। मैं भी थोड़ा कोशिश कर लेता हूं, कितना आ गया बताएं जरा, क्या आंसर है आपकी बुक्स में, ये ए आपका आंसर है, तो ए आपका आंसर हो गया। सबको आ गया समझ में, क्लियर है, ठीक है, कॉपी कर सकते हैं, जो स्टूडेंट से कॉपी कर लो उसके बाद क्वेश्चन में 10 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट 1000 बैग्स टू वाई ऑफ दिल्ली कॉस्टिंग 2000 ईच, 600 बैग्स वर सोल्ड एट 10% अबाउ कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस विल बी, ठीक है। कहता है कि 600 बैग्स वर सोल्ड एट 10% अबाउ कॉस्ट प्राइस, अबाउ कॉस्ट प्राइस, तो बस कॉस्ट में 10% जोड़ देंगे तो सेल प्राइस आ जाएगी, है ना, ठीक है। सेल्स प्राइस कह रहा है कॉस्ट प्लस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट क्या है,
कॉस्ट है एक बैग की 2000 रुपीज, तो 10% कितना हो गया टू, तो कितना आ गया 2200 पर बैग, यही हो गया ना। हाँ जी, तो सेल्स कितनी आ गई, आपने 600 बैग्स बेचे हैं और एक बैग कितने का बेचा है, 2200 रुपए का, तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा कैलकुलेट। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 18 करना है, क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे लास्ट में मैंने पढ़ लिया, वहां लिखा हुआ है इनवाइस वैल्यू ऑफ गुड्स, क्या निकालना है, इनवाइस वैल्यू ऑफ गुड्स निकालना है मैंने। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट सर्टेन गुड्स टू वाई मुंबई एट कॉस्ट प्लस 25%। यानी कि अगर बात करें कॉस्ट प्राइस और इनवाइस प्राइस की, कॉस्ट प्लस 25% का मतलब स्टूडेंट्स 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस इनवाइस की कितने के बराबर होगा, ये आपको माइंड में याद रखना, अपने दिमाग में। वन हाफ ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय वाई सोल्ड एट दिस एट 10% अबाउ इनवाइस प्राइस। स्टूडेंट्स, जो उसकी सेल्स है वो कितने पर हुई है, क्वेश्चन वाला कहता है आईपी प्लस 10% ऑफ आईपी। देखो ध्यान से, कहता है 10% अबाउ इनवाइस प्राइस, इनवाइस प्राइस से भी 10% ज्यादा कीमत पर बेचती है। यानी अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, मैं अभी समझाऊंगा और मिटाऊंगा, तो जैसे कि मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो इनवाइस प्राइस कितनी होगी, 1/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस। गलत जवाब, ये क्या, आ गई गलती समझ में, थोड़ी देर के बाद हम भूल जाते हैं जो हमने सीखा होता है। चलो कोई, लेकिन एक बार बताऊं, लर्न करने के बाद जब एक बार अनलर्न हो और उसके बाद जब दोबारा लर्न होता है तो परमानेंट मेमोरी में जाता है। आइए, तो कॉस्ट प्राइस, क्योंकि चोट लगती है और खून निकल जाता है फिर उसके बाद आपको हमेशा याद रहता है ना वो, बस। तो कॉस्ट प्राइस का 1/4, कॉस्ट प्राइस ये है, कितना हो गया 25 रुपीज, तो इनवाइस प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग। अब वो कह रहा जो सेल प्राइस है वो कितना है, वो है 125 प्लस इसका 10%, यानी 12 रुपए 50 पैसे, यानी 137.50। ये आप लोगों को, ये क्या है आपके, ये आपके दिमाग की बत्ती है, चला के रखना। अब वो क्या कहता है, आइए देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है इनवाइस वैल्यू गुड सेंट आउट इज, कहता है जो इनवाइस वैल्यू है वो बता दो हम अपने। तो आपको गिवन क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन में, ये आपके अपने दिमाग की अपनी नॉलेज है, क्या है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो यहां करते हैं। आइए, ये आपका मन में चल रहा है, रफ में चल रहा है, जहां मर्जी चल रहा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया, सेल्स, कितने की सेल्स है, 1 लाख, समझ में आ गया आप लोगों को। अब आपको सामने देखिए, आपको है ना इधर आना है, आपको ये आंसर है आपका, आपसे आई, समझ में आ रही है आप लोगों को बातें, यानी आपको ये गिवन है और आपको यहां तक आना है, बताओ क्या रास्ता है, बताइए। ऐसे ऐसे केसेस में जो गिवन होता है, गिवन को गिवन से भाग कर दो, गिवन को
गिवन से डिवाइड कर दो, यानी 1,76,000, चूंकि आपको मालूम है दिस इज 137.50 पैसे, दोनों अब ये दोनों वैल्यू ऊपर एक जैसी है, ऊपर क्या है 10% ऐड होने के बाद, और नीचे क्या है उसका फार्मूला, दोनों सेम वेरिएबल हो गए, सेम वैल्यू पर हो गए, सेम प्लेटफॉर्म पर हो गए, तो इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कैलकुलेटर की तरफ मत जाइए, कॉन्सेप्ट की तरफ बात कर रहा हूं मैं, इसे डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, वन आएगा, क्या आएगा वन, और आपको क्या चाहिए, तो एक को 125 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 125% आ जाएगा बाहर निकलकर, तो ये आ गई आईपी ऑफ सेल्स। अब जरा कैलकुलेटर से करके बताइए, अब आपको मेरे आंसर पर डाउट है, कोई बात नहीं, आपको मालूम है कि 10% ऐड करने पर आंसर आना चाहिए, वापस रफ में इसी का 10% ऐड करके चेक कर लो, वही आएगा, समझ में आया नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 18 खत्म होता है स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद 22 क्वेश्चन की ओर आएंगे, कहां पर आएंगे 22, कॉपी कर लीजिए, एक 1,60,000 में इसका 10% होता 16,000 रुपए, ऐड करेंगे तो 176,000 बन जाएगा, यानी ये वेरिफिकेशन हो गया एग्जामिनेशन हॉल में कि हम ठीक सोच रहे हैं, ऐसे नहीं समझ में आया, आठवीं नौवीं वाले से समझा दूं, हैं बोलो एक्स वाई मानकर, चलो ठीक है आप आ गया, थैंक यू, तो घर पे ट्राई करना है, एक्सवाई मान के कैसे करें, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया एक्स हो गया, इनवाइस प्राइस क्या हो गया एक्स प्लस एक्स अपॉन फोर हो गया, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, जो तुमने आईपी माना है उसी का 10% ऐड कर देना, आगे वो इक्वेशन हो गई, दैट इक्वेशन इक्वल टू 1,76,000, एक्स निकाल लेना, और वो बड़ा लंबा रास्ता होगा घूम के, है ना, इंडिया आए अमेरिका घूम के, तुम तो सीए वाले हो, सीए बोले तो चंट आदमी चलाक आदमी, तो जल्दी करने वाला ऐसा होता ना, राम ऑफ कोलकाता सेंड आउट 1,000 बॉक्सेस टू वाई ऑफ दिल्ली, कॉस्टिंग 200 ईच, आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ बॉक्सेस दे रखे हैं, आपको क्या दे रखा है, एक बॉक्स की कीमत दे रखी है, 1/10 ऑफ द बॉक्स वर लॉस्ट इन ट्रांजिट, जितने बॉक्स थे उसके 1/10 रास्ते में खो गए, 100 बॉक्सेस खो गए इसका मतलब, 2/3 ऑफ द बॉक्स रिसीव्ड, अंडरलाइन कर रहे हैं चालाकी है इसमें, 2/3 ऑफ द बॉक्स रिसीव्ड कह रहा है, रिसीव्ड यानी जो कंसाइनी ने ट्रक में से उतारे हैं, जो कंसाइनी ने ट्रक में से उतारे हैं उसका 2/3 कंसाइनी ने बेच दिया, कॉस्ट प्लस 25% पर, द अमाउंट ऑफ सेल्स विल बी, ठीक है, सबसे पहली बात हमें यह देखना है कि हमारे जो सेल प्राइस है वो क्या है, तो 250 रुपए, बताओ ये क्या है, ये वो ट्रक का बॉक्स है जिसमें आपने बॉक्स रखे हुए भिजवाए थे, कितने बॉक्सेस भिजवाए थे, ये 100 बॉक्स हो गए, बचे कितने 900 बॉक्स, तो ट्रक में से कितने उतरे 900 बॉक्स उतरे, ये वाले बॉक्स कहां गए, डिसअपीयर गायब हो गए, चोर ने चुरा लिए,
इंश्योरेंस करा रखा था तुमने, पैसे वहां से मिल गए होंगे। अब वो क्या कहता है, रिसीव्ड, तो दिस इज रिसीव्ड, क्या है ये रिसीव्ड है, कहता है इज रिसीव्ड का 2/3 ऑफ बॉक्स, इसके 2/3 कितने होते हैं, कितने आए, एक बच्चे ने बड़े जल्दी से निकाल दिया, वो कहता है जी इतने, तो इट दीज बॉक्सेस किस कीमत पर बेचा, आपने निकाल लिया है वैल्यू 250 पर बॉक्स, तो ये आ जाएगी आपकी सेल्स, कितना आ गया 1 लाख, बोलो करेक्ट है, ठीक है, उतार लीजिए, किसी को आगे से कॉपी करना है। 24th क्वेश्चन पर आ रहा हूं, ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कमीशन पूछवा रहा है वो, तो हमें कमीशन निकालना है, ठीक है। जितनी हमारी ऑनलाइन लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है आजकल, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी के आ रहे हैं, कमीशन कमीशन कंसाइनमेंट का। तो यानी स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स जो यूज करते हैं वो अकाउंटेंसी में, तो वहां दिक्कत शुरू हो जाती है इसका मतलब। तो आइए 24th क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। एक्स ऑफ कोलकाता सेंड्स आउट सर्टेन गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%, ठीक है। तो यानी इसका मैं स्टूडेंट्स सीपी और आईपी बोलू, इनवाइस वैल्यू गुड सेंट आउट 2 लाख, ठीक है, आईपी दे रखा है बच्चों 2 लाख रुपए का टोटल गुड्स का, ठीक है। 4/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय कंसाइनी एट 1,76,000। अब सेल्स, सेल्स कितनी है 1,76,000, और ये कितनी है, ये है 4/5 ऑफ गुड्स, एक गुड्स का 4/5 है, कितना है 4/5। कमीशन 2% अप टू इनवाइस प्राइस एंड 10% ऑफ एनी सरप्लस अबव इनवाइस प्राइस। देखिए स्टूडेंट्स, कमीशन कितना है 2% अप प्राइस, 2% ऑन सेल्स नहीं है, 2% ऑन इनवाइस प्राइस प्लस 10% ऑफ एनी सरप्लस, 10% ऑन सरप्लस। जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था आज, तो मैंने बताया था सरप्लस कैसे निकालते हैं, उसके फार्मूले भी लिखाए थे, जरा जाइए सभी स्टूडेंट फार्मूलों की ओर। चैप्टर के पहले 5 मिनट में मैंने बोला था सरप्लस सेल्स निकालने का फार्मूला क्या था, एक्चुअल सेल्स माइनस आईपी ऑफ सेल्स, याद आ गया। तो स्टूडेंट्स अब कैसे निकलेगा ये, अब हमें ये चेक करना है लेगा। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में गुड्स का 4/5 हो गया, गुड्स का, तो स्टूडेंट ये क्या है टोटल गुड्स, ये क्या है वो भी कौन, तो इस टोटल गुड्स में से कितना बेच दिया आपने, तो इसका 4/5 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका 4/5 आपने बेच दिया 1,60,000। तो सरप्लस सेल्स इक्वल टू फार्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस आईपी ऑफ सेल्स, एक्चुअल सेल्स कितने की करी है आपको मालूम है, तो जो बेचना था 1,60,000 का आपने कितने का बेचा, तो 16,000 रुपए का क्या हो गया सरप्लस हो गया, 16,000 रुपए का क्या हो गया सरप्लस हो गया। आप बोलो सबको समझ में आ गया,
अब इसके बाद वो क्या कहता है, वो कहता है टू परसेंट ऑन आईपी, आईपी 2 लाख है, 2 लाख पे 2% मत देर बैठना। अगर मान लो इसमें से उसने कुछ, कई स्टूडेंट ये कह रहा है कि सर ने आईपी पे दो ना, तो मैं उसका जवाब बता रहा हूं उसे कि अगर माने एक बेचा तब भी आप 2 लाख पे 2%, तो यानी बेचने पर दोगे ना, तो बेचा कितना है, और 1,60,000, तो 2% देंगे आप लोग 1,60,000 पे, बोलो करेक्ट, और 10% सरप्लस पर देंगे आप, सरप्लस कितनी है, इसका आंसर निकाल लेंगे आप लोग, ये कितना आएगा और ये कितना आएगा, दोनों कितने आएंगे, समझ में आ गया आप लोगों को, करेक्ट है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। 24th क्वेश्चन कर लिया है सभी स्टूडेंट ने, इसके बाद मैं 28 पर आ रहा हूं, 28 पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हाँ जी शुरू करें, ठीक है जी। 28th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड फॉर बैड डेट्स, कहता है अगर डेल क्रेडिट कमीशन अलाउड करें बैड डेट्स के लिए, कंसाइनी विल डेबिट द बैड डेट अमाउंट टू, ओ ये तो स्टूडेंट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, किसका है, तो जरेंटी पोर्शन है, आज हम मैथमेटिकल पोर्शन ले रहे थे, कोई बात नहीं, अब छेड़ दिया है तो समझाएंगे। इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग, ठीक है कर दें फिनिश इसे, ठीक। स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए तुम कंसाइनी बन सकते हो, बोलो बन सकते हो, बन जाओ सब लोग कंसाइनी, बन जाओ तुम सब लोग कौन हो, चलो अब गुड्स बेचो, कस्टमर का नाम रख लेते हैं, कस्टमर का नाम क्या है, डेविड, क्या नाम है, चलो कस्टमर को बेचो, डेविड को आपने उधार में माल बेचा, अगर आप कैश सेल करते तो बोलो क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स फॉर किस, तो सेल्स फॉर कंसाइनर, अब तुमने कैश नहीं बेचा, तुमने क्या बेचा, डेबिट को बेचा, तो डेबिट कस्टमर डेबिट टू सेल्स फॉर कंसाइनर, बोलो दो बातें हो सकती, पैसा आए या पैसा ना आए, पैसा आता तो क्या एंट्री करते, बोलो कहानी खत्म, और अगर पैसा डूब जाए तो करेंगे आप लोग, समझ में आ गया, बोलो अभी बैड डेट्स कहां जाएगा, जिम्मेदारी किसकी है, तुम्हारी या कंसाइनी की, फिर तुम बेकार हो गए, तुम लोग एक्टिंग नहीं कर सकते, तुम लोग किरदार ही भूल जाते हो, तुमको बोला तो तुम कंसाइनी हो, तुमने कैसे बोला फिर कंसाइनी, कंसाइनी तो तुम हो ना, कोई अपने लिए कंसाइनी बोलता है, तुम बोलो हमारी जिम्मेदारी, तुम लोग अच्छे एक्टर हो ही नहीं सकते, तुम सीए बन जाओ बस, तुम्हारे बस की नहीं एक्टिंग,
सकती है या तो कंसाइनर की या तो इफ बैड डेब्ट्स आर बॉर्न बाई कंसाइनर, सही है। कंसाइनर कब बॉर्न करता है, कंसाइनर की जिम्मेदारी कब होती है बताइए। इफ डीसी वाज नॉट, अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया था तो, और कंसाइनी की जिम्मेदारी कब होती है अलाउड, अगर डेल दिया था तो, समझ में आ गया। बैड डेब्ट्स क्या थे तो फ्रेंड्स, बैड डेब्ट्स अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा क्योंकि अकाउंट्स को क्लोज करना है मुझे, बैड डेब्ट्स को, बैड डेब्ट्स को कहीं तो भेजूंगा ना, बैड डेब्ट्स का लेजर बंद करूंगा नहीं करूंगा। तो अब यहां पर जिम्मेदारी किसकी है तो इसलिए कंसाइनर को डेबिट करूंगा, समझ में आ गया। किसकी बुक्स में है हम, इन द बुक्स ऑफ साइनिंग एंट्रीज लिख रहे हैं, और अगर जिम्मेदारी किसकी है कंसाइनर की खुद की है तो वो क्या कंसाइनर को लिख पाएगा नहीं, क्योंकि कंसाइनर तो बियर कर नहीं रहा, तो फिर वो किसको डेबिट, जो उसने इस धंधे में कमाया है कमीशन, वो कमीशन खाते में भेज देगा कि भाई कमीशन में एडजस्ट कर लो, तो यानी कमीशन अकाउंट है उसने कमाया है। आ गया आप लोगों को, फिलहाल इस क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28 की बातें हो रही थी, डीसी इज अलाउड, तो यानी ये वाला क्वेश्चन है, तो कंसाइनी विल डेबिट द बैड डेब्ट, कंसाइनी जो बैड डेब्ट्स को डेबिट करेगा तो कैसे करेगा, कमीशन अकाउंट में, क्या करेगा कमीशन अकाउंट में डेबिट करेगा, समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर हो गया, ठीक। अब आप इसे कॉपी कर सकते हैं, उतार लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग आने वाले हैं 32 क्वेश्चन पर, प्रिपेयर हो जाइए 32 क्वेश्चंस के लिए। देख लीजिएगा ये एंट्री क्यों है, ये है फॉर सेल्स, ये किस लिए है फॉर कैश रिसीव्ड, ये किस लिए है फॉर बैड डेब्ट इनकर्ड। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। 32 क्वेश्चन क्या कहता है,
A of Mumbai sold goods to B of Delhi, goods are to be sold at 125% the cost, which is invoice price. Underline kare, 125% of cost, which is invoice price. Mil gaya? तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो इनवाइस प्राइस कितनी है 125% ऑफ, तो यानी 125 हो गई, क्योंकि इसका 125% क्या होगा, 125 हो जाएगा, तो यानी फॉर्मूला क्या हो गया, अगर बात करूं लोडिंग की तो कितने रुपए लोडिंग है इसके बीच में, इन दोनों के डिफरेंस बोलो 25 रुपए, 25 रुपए इसका कितना होगा 25%, तो 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, वेरीफाई करना चाहते हैं कर लो, ये क्या है कॉस्ट प्राइस, 4 से भाग करो, बोलो क्या आया, ये क्या है, कितने से भाग करना है 5, तो ये क्या है इनवाइस में 5 से भाग कर लो, देखो ये आ जाएगा वापस, ठीक है। कमीशन 10% ऑन सेल्स एट इनवाइस प्राइस एंड 25% ऑन एनी सरप्लस रियलाइज्ड अबव इनवाइस प्राइस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जरा मुझे हेल्प करें, सेल्स या इनवाइस, सेल्स एट इनवाइस प्राइस, तो यानी आईपी ऑफ सेल्स प्लस प्लस क्या है 25% एनी सरप्लस रियलाइज अबव इनवाइस प्राइस, यानी सरप्लस सेल्स, स्टूडेंट्स बोलो क्लियर है, ठीक है। कहते 10% द गुड्स सेंट आउट ऑन कंसाइनमेंट इनवाइस वैल्यू विच इज 12,500 वर डिस्ट्रॉयड। एक्चुअली जो पुराने क्वेश्चन थे उनको छोटा छोटा सिखाया था, अब कुछ 2-3 क्वेश्चनों को मिक्स करके एक बड़ा क्वेश्चन तैयार हो गया 32। इसने इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर ले, इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, देखिए पिछले एक क्वेश्चन की झांकी दिखाता हूं मैं आप लोगों को, कि ये सारा क्या है टोटल गुड्स, बोलो ये कितना है, तो बोलो ये कितना हो गया, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये गुम हो गया, कितना गुम हो गया 12,500, कौन सी कीमत थी इनवाइस प्राइस, क्या थी इनवाइस प्राइस थी, ठीक है। तो स्टूडेंट जरा सामने देखिए, सारे सामान की क्या है का 10% इक्वल टू दिस, एक्स क्या हो गया 1,00,000 इनवाइस प्राइस, जब इनवाइस थी इनवाइस ही होगी, याद आ गया आप लोगों को, ये क्वेश्चन अभी अभी किया था हमने, उसने इसमें मिक्स कर दिया क्वेश्चन, तो यानी अब हमें क्या पता लग गया, जो गुड्स भेजा टोटल गुड्स एट इनवाइस प्राइस कितना है 1,25,000, बोलो करेक्ट हो गया, ठीक। कहते 75% ऑफ द टोटल कंसाइनमेंट इज सोल्ड बाय बी एट 1,00,000, 75% आपने बेच दिया, सामने देखिए, अब इसमें टेक्निकलिटीज क्या है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, 75% रिसीव्ड का या टोटल का, दोनों में फर्क होता है, क्वेश्चन में फिर से जाइए चेक कीजिए, 75% टोटल, तो यानी सभी स्टूडेंट जरा सामने देखें, सेल्स कितनी हुई है बताइए, सेल्स हुई 1,00,000 और 1,00,000 में ये कितना है 75% ऑफ कंसाइनमेंट, सभी को समझ में आ गया,
टोटल गुड्स कितना था, इसका 75% निकाल दूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, बोलो, यानी मुझे क्या निकालनी है, सेल्स की आईपी। तो इनवाइस प्राइस ऑफ सेल्स इक्वल टू 75% ऑफ टोटल इनवाइस प्राइस, क्योंकि आपने सारा ही माल बेचा है, तो टोटल इनवाइस प्राइस कितनी है, 1,00,000। बताइए कितना आया, 93,750। ये इतने का बेचा है, तो जो इतने का स्टूडेंट वो आपने इतने का बेच दिया और भी महंगा बेच दिया, तो सरप्लस कैसे निकलेगी, सरप्लस सेल का फार्मूला, एक्चुअल सेल्स माइनस आईपी ऑफ सेल्स। एक्चुअल सेल्स कितनी है, एक्चुअल सेल्स है 1,00,000 रुपए की, इनवाइस प्राइस ऑफ सेल्स कितनी है, बोलो सही है, तो कितना आ गया, सॉरी सही है। अब आपको क्या निकालना है, कमीशन क्या था, 10% ऑन आईपी ऑफ सेल्स, आईपी ऑफ सेल्स कितनी है, 1,00,000। गलत जवाब, कई बच्चों ने हां करा है, ये है ये, क्योंकि ये तो एक्चुअल सेल्स है, एक्चुअल सेल्स आईपी वाले से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, समझ में आ गया। उसने हिंट दिया इसके लिए कि गुड्स का गया है, तो गुड्स था कितना, 25,000 था, इसका 75% बिकता तो कितने का बिकता, इतने का बिकता, पर आपने इतने की बजाय कितने का बेच दिया, इतने का बेच दिया, बोलो बात समझ में आई। तो ये है आईपी ऑफ सेल्स, 10% ऑन आईपी ऑफ सेल्स, यानी 10% निकलेगा 93,750 का, प्लस 25% सरप्लस, जो इतने का बेचना था वो इतने का बेचा तो कितना फालतू है, तो 25% जो कमीशन निकलेगा, निकलेगा वो 6,200, और इसे निकालकर आप लोग कैलकुलेट करके मुझे आंसर बता देना। किसी बच्चे ने बताया 10,937.something बता रहे हैं, ये है क्या, ये आंसर है कहीं, पॉइंट नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर होगा, सही है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप इसे कर ले, इसके बाद हम 36 क्वेश्चन पर आएंगे।
आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन चलते हैं। थर्टी सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन ये वही है 36 क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में जिस तरीके का किया था क्वेश्चन में एर्थ किया था अभी थोड़ी देर पहले। देख लें जरा क्वेश्चन में एर्थ को देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर एर्थ को देखें, थोड़ा उसके आंसर को देखें और फिर उसके बाद दोबारा 36 पर आ जाए। एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख टू वाई ऑफ मुंबई एट कॉस्ट प्लस 25%। मिल गया, कॉस्टिंग कितनी है 1 लाख, आईपी कितनी हो गई 25% ऐड कर दीजिए 1,25,000, 1,25,000। कंसाइनर्स एक्सपेंसेस 2,000, कंसाइनर के एक्सपेंसेस दे रखे हैं, मालूम नहीं अभी आगे जाके काम में आएंगे या नहीं आएंगे, अभी पढ़ने के बाद पता लगेगा, पर जहां तक मैं समझता हूं शायद आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ होगा ये, क्योंकि मैंने तो सबसे लास्ट में कमीशन देखा है, कमीशन में कंसाइनर एक्सपेंसेस की कोई भूमिका नहीं होती। कहता 3/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय द कंसाइनी एट 85,000। लो जी कंसाइनी ने कितना माल बेच दिया, हिंट क्या है, हिंट क्या है, 3/5 बेच दिया, कितना बेच दिया, तो टोटल सामान की जो आईपी है, टोटल सामान की आईपी उसके 3/5 को निकाल लें, टोटल सामान की आईपी थी 1,25,000, 1,25,000, इसका 3/5 5 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करें तो जो बच्चों ने बजाया 75,000, तो जो सामान 75 का बेचना था उज्जवल कितने का बेच दिया, यानी आपने 75,000 वाला सामान 85,000 में बेच दिया, इनवाइस प्राइस से भी ज्यादा कीमत पर बेच दिया, सरप्लस आ गया, कितना आ गया सरप्लस, 10,000 सरप्लस आ गया। ठीक है, कमीशन 2% ऑन सेल्स, कहते 2% तो सेल्स पर कमीशन देंगे, सेल्स कितनी है बोलो इस क्वेश्चन में, वो है 85,000, तो 85,000 पे 2% देंगे वो ये कह रहा है, समझ में आ गया, प्लस 20% ऑफ ग्रॉस सेल लेस ऑल कमीशन एक्सीड इनवाइस प्राइस, एक्सीड इनवाइस प्राइस, उस वाले क्वेश्चन में था एक्सीड कॉस्ट प्राइस क्योंकि वहां इनवाइस की कोई चक्कर ही नहीं था, यहां पर है एक्सीड इनवाइस प्राइस, इनवाइस प्राइस से ऊपर कितना है सरप्लस है, इनवाइस प्राइस से ऊपर क्या मिलता है सरप्लस, और अभी अभी सरप्लस निकाला आपने 10,000 निकाला है, यानी इस क्वेश्चन में कमीशन क्या आएगा, कमीशन आएगा कितना आएगा 2% ऑन सेल्स, 20% 20% किसका, सरप्लस सेल्स कितनी है लेस ऑल कमीशन, यही है, समझ में आ गया, एक्सीड इनवाइस प्राइस, ग्रॉस सेल, ग्रॉस सेल एक्सीड इनवाइस प्राइस, तो सेल जो इनवाइस प्राइस से ऊपर होती है उसे क्या कहते हैं वरुण, सरप्लस कहते हैं, तो सरप्लस आपने निकाल ली, एक्चुअल सेल्स कितनी थी 85,000, इस 85 की आईपी कितनी है 1,25,000 का 3/5 निकाल लिया 75,000 आ गया, तो यानी सरप्लस सेल 10,000 आ गया, बोलो करेक्ट हो गया सभी को, अब आसान लग रहा है क्वेश्चन है, अब इसका अमाउंट ऑफ कमीशन विल बी, तो बस हो गया आप इसे ये 1/5, ये 10,000 माइनस एक्स ना आ गया, हाँ जी थ्री, कुछ स्टूडेंट ने ये निकाल लिया है, क्या ये आया है जवाब है आप लोगों के पास, हाँ ए है, तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे, थैंक यू आप सबने जल्दी से निकाल कर दिया, 36 हो चुका है, 42 पर आने वाले हम लोग की बात,
42 क्वेश्चन में क्या है? ये कॉपी कर लिया आप सभी ने? चलिए, 42 क्वेश्चन कहता है कि 1000 बॉक्सेस है, कॉस्टिंग 200 है, 1/10 ऑफ द बॉक्सेस वर लॉस्ट इन ट्रांजिट, 2/3 ऑफ द रिमेनिंग बॉक्सेस सोल्ड बाय कंसाइनी एट कॉस्ट प्लस 25% सेल वैल्यू विल बी। ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, जरा ढूंढकर बताएंगे कौन सा था ऐसा क्वेश्चन? ट्वेंटी टू, ठीक है। अभी हम 42 करने वाले हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूं एक बार 22 में जाएं और जाकर उसे देखें। क्वेश्चन नंबर 22 में जाएं और जाकर उसे देखें, और 22 के बाद फिर लौट कर 22 का आंसर देखें, और उसका आंसर देखने के बाद फिर 42 में आ जाए। वैसे आप लोग जो ऐसे निकालते हैं ना, 20/100 करते हैं, अभी जो हमने मिटाया है उसमें लिखते हैं आप 10,000 माइनस ऑल कमीशन यानी एक्स, तो ऑल कमीशन हटा देना, उसकी जगह आप ऐसा लिख, ऐसा भी करके देखें, फिर देखें क्या आंसर आएगा। 10,000 × 20/120, 20/120, 5/105, 10/110, जो ऊपर निकाल रहे हैं वही नीचे ऐड कर दिया। कितना है? 11? कितना आ रहा है बेटा? और उसमें वो भी तो जोड़ो ना, 2% नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, ठीक है, चलो फिर रहने दो, उसे आएगा क्वेश्चन तो बताएंगे आपको। आइए वापस आते हैं हम लोग 42 पर आते हैं। 42 मुझे सभी स्टूडेंट ने बताया कि सेम 22 है, बिल्कुल वैसा ही है। अरे नहीं, थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, कर लेंगे आप लोग? लॉक कर दूं? चलो कर दिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50, कहता रहीम ऑफ कोलकाता सेंड आउट गुड्स एट इनवाइस वैल्यू टू राम ऑफ दिल्ली एट कॉस्ट प्लस 25% अमाउंट ऑफ लोडिंग विल बी। तो स्टूडेंट इसमें तो सिर्फ फार्मेसी से काम चल जाएगा, सीपी और आईपी, बोलो मैं बता रहा है कॉस्ट प्लस 25%, 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस, 1/5 ऑफ इनवाइस। क्वेश्चन में आपको बोला क्या है? इनवाइस प्राइस। तो लोडिंग के लिए क्या करेंगे हम? 5 से भाग कर देंगे, कितने से डिवाइड कर देंगे? तो बोलो कितना आएगा? बोलो आंसर आया नहीं आया? बोलो करेक्ट है, सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कॉस्ट प्लस 1/3%। क्वेश्चन नंबर 51 है, सामने देखिए सीपी है, कॉस्ट प्लस 1/3 का मतलब 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस, परसेंट ऑफ लोडिंग ऑन इनवाइस प्राइस विल बी। कहता है आईपी पर परसेंटेज कितनी होगी? 1/4 ऑफ इनवाइस प्राइस, यानी 33.33 ऑफ सीपी इक्वल होता है 25% ऑफ आईपी। समझ आ गया सब बच्चों को? बोलो ठीक है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन, फिर आज की क्लास फिनिश हो जाएगी स्टूडेंट्स। कहता है एम ऑफ कोलकाता सेंड आउट गुड्स कॉस्टिंग 45,000 टू एन ऑफ मुंबई है कॉस्ट प्लस 1/3%, ठीक है 56 है, सीपी बताओ कितना है? सीपी है 45,000, ठीक है। आईपी, आईपी कितना है? 45,000 प्लस 45,000 का 1/3 यानी कि 60,000, बोलो सही है ये 45,000।
वन टेंथ ऑफ गुड्स लॉस्ट इन, इसमें से वन टेंथ जो है रास्ते में खो गया, तो बचा कितना, 90% बचा। टू थर्ड ऑफ द गुड्स आर 20% अबव, टू थर्ड ऑफ द गुड्स। अब क्वेश्चन में चालाकी है या क्वेश्चन की कमी मान लो, ये नहीं बताया टोटल गुड्स रिसीव्ड गुड्स, टोटल गुड्स या, तो स्टूडेंट इसे मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि सीपीटी एग्जाम में आप इसे ट्रायल एंड एरर मेथड मान लो, कि ट्राई करेंगे एरर आ गया तो फिर से ट्राई करेंगे, समझ में आ गया। तो फिलहाल अभी हम क्या मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, टू थर्ड ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 20% अबव इन प्राइस, यानी टू थर्ड ऑफ टोटल गुड्स, हालांकि ये रिसीव्ड गुड्स भी हो सकता है, इससे हमारा सीपीटी में थोड़ा सा टाइम खराब होता है एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन हम सही आंसर की तलाश में हमें करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में मामूली सी मिस्टेक है या अधूरापन है। टू थर्ड ऑफ टोटल गुड्स, टोटल गुड्स क्या था, इसका टू थर्ड कितने का हो गया, बोलो सही है, वो क्या कहता है, कहता है गुड्स आर सोल्ड एट 20% अबव इन प्राइस, अबव तो सेल्स कितनी हो जाएगी, 40,000 प्लस इसका 20%, यानी कि हो गया 48,000, बोलो, कहता है हाफ सेल्स आर ऑन क्रेडिट, तो आधा कैश और आधा उधार, तो उधार कितने का हो गया, 24,000 का। क्या ये आंसर है कहीं, नहीं, ट्रायल एंड एरर मेथड बोला था मैंने, तो इसका मतलब हमें सीपीटी एग्जाम के अंदर पता लग गया कि हम जो सोच रहे हैं वो सोच गलत है, ये गुड्स टोटल ना होकर गुड्स की है, कितनी है, जो गुड्स कौन सा है, जो आफ्टर लॉस है, लॉस हो गया इस, तो वो जो रिमेनिंग हुआ था उसका, तो 90% कितना होता है, 54,000 का कितना बेच दिया है, जो मुझे क्या निकालनी है, सेल्स, सेल्स के उसने क्या बोला है, जितने का सामान था 20% पर बेचा गया है, तो इसका 20% निकाला कितना है, ऐड कर दीजिए कितना आ गया, इस्ते हो कितना आ गया, ये आंसर है, बस फिर सीपीटी एग्जाम में एकदम खुश होगा तुम लोग, फॉरन जैसे तुम्हें पा गया तुम क्या बोले, पा लिया, क्या बोले, और क्या बोले, वो जो किसने बोला था, गैलीलियो ने बोला था, क्या बोला था, यूरेका, क्या बोला था, यूरेका। तो बस फिर अब आपकी आज की क्लास फिनिश हो गई स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, हमने आज की क्लास में सारे कमीशन के क्वेश्चन फिनिश कर लिए, लोडिंग कैलकुलेट करने की हमने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना, इनवाइस प्राइस कैलकुलेट करना, आज की बेसिक क्लास से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, प्रोवाइडेड आप घर पर जाकर ये सारे क्वेश्चन करें, याद रहे आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन तुमने किए हैं वो तुमने नहीं किए, तुमने तो बोर्ड पे से उतारे हैं, वो मैंने किए, वो मेरी मेहनत थी, वो तुम्हारी मेहनत, तो इसलिए बच्चों, प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, घर पर जाकर एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ठीक है, खुदा, और क्या रह गया।